व्यूअर्स, नोवा ग्रुप इज इन केपी के खैबर पख्तूनख्वा विद अ बैंग। हम लोग यहाँ पर इस टाइम नोवा सिटी फेज वन पिशावर जो है उसके मेन गेट के बाहर खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी एक ग्रैंड कंस्ट्रक्शन की है नोवा ग्रुप ने यहाँ पे। उसके अलावा मेन बुलेवार्ड की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। हम लोग इस टाइम मेन एंट्रेंस के ऊपर खड़े हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे शौक की तरह लगी है, वो ये कि जब हमने निसाता इंटरचेंज के ऊपर जो ब्रिज है वो क्रॉस किया है, तो उसको क्रॉस करने के ठीक 200 टू 300 मीटर्स के बाद आपने लेफ्ट टर्न करना और आप यहाँ पर साइड के ऊपर खड़े हैं। सो डिस्टेंस जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, आप पता नहीं कितना अंदर है, कितना डिस्टेंस होगा, सो इट इज़ राइट ऑन द मोटरवे। आपको यहाँ से टोटल एक मिनट भी नहीं लगना और आप लोग सीधा यहाँ से मोटरवे के ऊपर होंगे और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिशावर सिटी कितना एक्सेसिबल होगा। और ये सारे जो सिटीज़ हैं, चारसद्दा, निसाता, मर्दान है पीछे, रिसालपुर, और एक पूरा हब है केपीके के अंदर, और ये सारा इजीली एक्सेसिबल है यहाँ से। अंदर मशीनरी डिप्लॉय कर दी गई है, बहुत ही ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इवेंट किस बारे में यह हम अंदर जाकर दोबारा हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इस टाइम हम नोवा सिटी की साइड के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत ही यहाँ पर जश्न का माहौल बना दिया गया है, ढोल आ चुके हैं, सही यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। हम लोग मेन बुलेवार्ड की लेफ्ट साइड के ऊपर खड़े हुए हैं। ज़मीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैट कर दी जा चुकी है। हमारी राइट साइड पे जो इवेंट है उसकी जो साइट है तम्बू शंबू लगा के उसको ऑर्गेनाइज किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो इस पार्किंग की बैक साइड पे जो मशीनरी है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। और पार्किंग की बैक साइड अगर आप देखें तो चारसद्दा टोल प्लाजा यहाँ से हमें दिख सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, तो आज हमने लोकेशन देखी है, मैं लिटरली बहुत सरप्राइज था। और यहाँ से आप लोकेशन पे खड़े होकर चारसद्दा टोल प्लाजा देख सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट आई गेस। और आज जो है वो साइट भी रिवील कर दी गई है। उसके अलावा जो सेकंड बैलेटिंग है उसको भी टेक प्लेस किया जा रहा है। और प्रॉपरली फाइनली एक ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है नोवा सिटी पिशावर की वो यहाँ पर की जा रही है। और नोवा सिटी पिशावर का जो फेज वन है उससे रिलेटेड एक खबर भी है हमारे पास, वो हम आगे जाके आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। अंदर देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट के CEO हैं जुनैद अफजाल साहब, वो आज क्या बात करते हैं और जो बाकी डायरेक्टर्स हैं उनके क्या ख्याल आता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है सारी वो भी आपके साथ ब्रेक करेंगे। चलें आगे फॉलो करें। उन्होंने कहा था अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। और मेरा ख्वाब है कि अल्लाह पाकिस्तान का ऐसा मुल्क बना कि यहां पर से लोग नौकरियां ढूंढे। व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग मार्की के अंदर खड़े हुए हैं जहां पे नोवा सिटी ने एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर डिस्क्लोज हुई हैं। उसके अंदर नोवा सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो उनकी थिंकिंग है नोवा सिटी पिशावर को लेके वो उन्होंने अपने साथ हमारे साथ डिस्कस किए डीलर्स के साथ। उसके अलावा मार्क्सन्स के जो CEO हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि कैसे नोवा सिटी पिशावर की जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन है वो मार्क्सन्स को दे दी गई है।
इस इवेंट के अंदर अगर हम कुछ मेन चीज़ों को डिस्कस करें तो जो जुनेद अफजाल साहब हैं CEO जो हैं नोवा ग्रुप के, उन्होंने आज हमें ये बताया कि नोवा सिटी पिशावर जो है उसका फेज़ वन, उसकी आज सेकंड फेज़ बैलेटिंग भी कर दी गई है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नोवा सिटी पिशावर का फेज़ वन जो है उसको रीनेम करके अब नोवा सिटी खैबर पख्तूनख्वा इनक्लेव जो है उसका नाम रख दिया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी खबर है, बड़ी क्यूट सी बात है कि स्पेशली उस सूबे के लोगों के लिए उनको एक ऐसा नाम दिया गया कि वो उसके साथ रिलेट कर सकें। उसके बाद अगर सिटी के बारे में बात करें तो जुनेद अफजाल साहब ने ये बात की है कि जी इसको बहुत ही फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनके एजेंडे के अंदर एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इस काम को रखा गया कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऑब्वियसली जिस तरह के हालात हैं आजकल पाकिस्तान में सिक्योरिटी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है। उसके अलावा उन्होंने नोवा सिटी पिशावर की फर्दर एक्सटेंशन के बारे में बात की है। अगर आप पिशावर से चारसद्दा इंटरचेंज की तरफ आ रहे हो तो जो फेज़ वन है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, चारसद्दा इंटरचेंज पे पहुंचते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे फेज़ वन लोकेटेड है, और फेज़ टू के बारे में भी आज बता दिया गया है कि चारसद्दा इंटरचेंज पे आते हुए पिशावर से आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर फेज़ टू लोकेटेड होगा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर है, और अभी से ही बता दिया गया है कि नोवा क्या चाह रहा है, नोवा कितनी एक्सपेंशन करने वाला है, और दोबारा से नोवा सिटी इस्लामाबाद और नोवा वन को भी डिस्कस किया गया यहाँ पर। और अगर फेज़ टू वाली बात को आगे बढ़ाएं नोवा सिटी पिशावर से, तो जो काबुल रिवर के ऊपर जो इनकी ज़मीन टच करेगी उसके ऊपर एक इंटरनेशनल स्टडी जो है वो कंडक्ट कराने के बारे में सोचा जा रहा है, और अनकरीब एक इंटरनेशनल स्टडी कंडक्ट करवा के रिवर बैंक सोसाइटीज़ जो हैं उनके डायनेमिक्स को देखा जाएगा कि रिवर बैंक सोसाइटीज़ को कैसे बनाया जाता है, उनके लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, और उसके बाद उस स्टडी को यूज़ करते हुए जो नोवा सिटी पिशावर का फेज़ टू है जो काबुल बैंक के साथ काबुल रिवर के साथ लगेगा उसके ऊपर काम किया जाएगा, और एक ऐसा फेस सामने लेके आएंगे जो रिवर बैंक के ऊपर लोकेटेड होगा, और उससे बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल ब्यूटी और एक सीनिक व्यूज़ जो हैं एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें सामने देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो चौथी खबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो बहरीन की रॉयल फैमिली है उनकी तरफ से एक जो वॉइस मैसेज स्पेशली रिकॉर्ड किया गया था वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया गया, और उसकी ट्रांसलेशन भी हमें बताई गई है। उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो बहरीन की रॉयल फैमिली है वो लाहौर में जो नोवा वन की कंस्ट्रक्शन होने वाली है, जो कि पंजाब का सबसे ऊँचा, अगर हम उसको बोलें तो वो सही होगा, सबसे ऊँचा कमर्शल कंस्ट्रक्शन जो है वो नोवा वन की होने वाली है, और लगभग पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची जो है वो हम बोल सकेंगे जब उसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वो कितनी ऊंची बनने वाली है। उसके अंदर जो 5 to 7 star होटल जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था रॉयल फैमिली ऑफ बहरीन ने, वो पूरे का पूरा होटल बाय कर लिया है, और उसके अलावा उन्होंने अपने मैसेज के अंदर ये भी बताया है कि बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जो नोवा ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर जो रॉयल फैमिली ऑफ बहरीन है वो इन्वेस्ट करेगी, जिसके अंदर नोवा वन भी है, जिसके अंदर नोवा सिटी इस्लामाबाद है, नोवा सिटी पिशावर है, तो जितने भी नोवा के वेंचर्स हैं वो इतने उनसे इम्प्रेस्ड हैं, इतने ज़्यादा वो उसको समझ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उसका हिस्सा बने और उसके अंदर इन्वेस्ट करें। बहुत ही ग्रैंड इवेंट था, हमने आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया है, और अभी थोड़ी देर पहले बाहर जो लाइटनिंग था, लाइट वर्क्स थे, वो कंप्लीट किए गए हैं, और एक बहुत ही जश्न का माहौल है यहाँ पे। खुमारियाँ को यहाँ पे बुलाया गया था, उसके अलावा जो प्रोविंशियल डांस है उसके भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई, और उसके अलावा जितनी भी मैनेजमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, जुनेद अफजाल साहब थे, उसके अलावा मार्क्सन्स के CEO, इन सब ने अपनी बात की है, और एक बहुत ही पॉजिटिव जो पिक्चर है वो दिखाई गई है नोवा सिटी पिशावर की और नोवा ग्रुप की, जिससे हमें आइडिया होता है कि किस तरफ ये ग्रुप जा रहा है और कैसे ये बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और हमारे साथ मौजूद हैं आवाज़ मार्केटिंग के डायरेक्टर ताहिर, आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे जो भी इवेंट हुआ है उसके बारे में। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सर। ताहिर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्लाइंट्स एक्चुअली वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो आपसे सुनना चाह रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आप मुझे काइंडली बताइएगा कि आज का फंक्शन आपको कैसा लगा, और नोवा सिटी के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लोकेशन कैसी है और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आई थिंक सैफ इट्स एन इम्प्रेसिव शो बाय नोवा सिटी पिशावर। अगर लोकेशन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में KPK के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि जो भी रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली उनकी कामयाबी का दारोमदार जो है वो लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम चारसद्दा इंटरचेंज से देखें तो हार्डली कुछ मीटर्स के फासले पर है। आप जैसे ही चारसद्दा के इंटरचेंज से उतरते हैं, आपने मेरे साथ ही आए हैं, तो हम जैसे इंटर होते हैं इंटरचेंज से उतरेंगे तो हम नोवा सिटी पिशावर के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि लोकेशन इज़ अल्टीमेट।
अगर आप प्रोजेक्ट की लोकेशन वाइज अगर इसको आप एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इसको 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है इन्वेस्टर्स के लिए और जो लोग इसके अंदर रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि जब इस तरह लोकेशन ऐसी हो तो उसके लिए अमेनिटीज़ यहाँ पे लाना इजी हो जाता है। अभी मैंने देखा है कि जैसे हम इंटरचेंज उतरते हैं तो बिल्कुल एक चौक सा बना हुआ है वहाँ पे, ऑलरेडी जो है वो मार्केट एक बनी हुई है, वहाँ पे लोग जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो एक पहले से एक एक्टिविटी है, तो वहाँ पे नोवा सिटी पेशावर को एक्टिविटी लाने में आसानी होगी। जिस तरह ताहिर भाई ने बताया, हमने पहले भी डिस्कस किया दैट इट इज़ अ सरप्राइज़, आज जो हमने लोकेशन देखी है बिल्कुल बैंग हुआ है हमारे ऊपर, कैसा यार ये क्या कर दिया नोवा ग्रुप ने। ताहिर भाई दूसरा मेरा सवाल है आज के इवेंट के बारे में, अगर हम बात करें और क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर देखा जाए कि क्लाइंट्स अगर इन्वेस्ट करें तो उनके लिए कैसा रहेगा, नोवा ने क्या इंप्रेशन डाला है क्लाइंट के ऊपर, इसके ऊपर काइंडली बताइएगा। मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव इवेंट जो नोवा ने जो है ऑर्गेनाइज करवाया है। इसके अंदर मीडिया के लोग आए हुए थे, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड लोग आए हुए थे, कुमारिया बैंड आया, उन्होंने परफॉर्म किया, और स्पेशली केपीके के लोग जो हैं वो एक इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हुए थे कि मैंने हमारा डेली का काम है, हम लोग जाते रहते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी इनॉग्रेशन फंक्शन के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो आई हो। हज़ारों की तादाद में लोग थे, इवन VVIP पासिस के अंदर हम इंटर हुए लेकिन जगह ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद लोग जो अंदर चले गए थे तो वो तो चले गए थे, जिन्होंने बाकी ने इंटर होना था तो जगह अंदर नहीं थी। तो मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्ट कर रहा था नोवा सिटी ने, बहुत ह्यूज किस्म का सेटअप था, लेकिन उसके बावजूद स्पेस कम पड़ गई थी कि लोग और ज़्यादा इंटर हो। तो मेरे ख्याल में KPK के लोगों ने जितना रिस्पांस नोवा सिटी पेशावर को दिया है, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग हार्ट वार्मिंग बेसिकली जो है वो उन्होंने वेलकम किया है नोवा सिटी पेशावर को। बिल्कुल जिस तरह ताहिर भाई कह रहे हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पर आज अपनी प्रेजेंस शो की है और बहुत ही वंडरफुल इवेंट था। ताहिर भाई थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बस आखिर में उसे आपसे जानना है कि क्लाइंट्स को आप क्या रिकमेंडेशन देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसी इन्वेस्टमेंट रहेगी, अपना एक आखिरी मैसेज क्लाइंट्स के लिए। व्यूज, मेरे ख्याल में नोवा सिटी पेशावर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस इन रियल स्टेट इंडस्ट्री। एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो KPK के लोगों को कह सकते हैं इस एरिया का लाइफस्टाइल चेंज करेगा और लोगों के ऐसी अमेनिटीज़ देगा जो पहले इस जगह पे नहीं है। एक चीज़ मैंने आके देखी है यहाँ पर कि जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं लोगों के लिए, वो प्रोवाइड नहीं की गई। तो मेरे ख्याल में लोकेशन इतनी अच्छी है, साथ ही दरिया के साथ तक ये लैंड जो है वो एक्सटेंड करती है नोवा सिटी पेशावर की, और नोवा सिटी पेशावर जो है फ्यूचर के अंदर ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल फर्म्स के साथ मिल के, और स्पेशली भी मार्क्सन्स के जो है हमने देखे कंटेनर्स आ गए हैं और डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम के अंदर नोवा सिटी इस एरिया को जो है उसके लिए गेम चेंजर होगा, और इधर आके मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि बड़ा अमेजिंग एक एक्सपीरियंस रहा है कि साइट इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल में जो रेट्स मुझे नज़र आ रही है आराम से ईजिली कुछ अरसे के अंदर ओन पे होंगे, और कुछ अरसे के बाद जब ये डेवलप होगी ये जगह तो मेरे ख्याल में ये प्राइसेस जो है वो डबल होंगी। ये सारी बुलेवार्ड आपको नज़र आ रही है, नोवा सिटी का गेट बना हुआ है, एक बड़ी इंटरेस्ट बना ली है, और सोसाइटी लॉन्च हुई है NOC अप्रूवल के साथ जो है वो उन्होंने लॉन्च की है, बुलेवार्ड बना के लॉन्च की है। प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं बेसिकली कि वो लोग लॉन्च कर देते हैं, सेलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद NOC अप्रूवल मिलता है, उसके बाद डेवलपमेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो नोवा सिटी ने एट द स्पॉट अभी जो पहले दिन जो डेवलपमेंट हुई हुई है, ये मेरे ख्याल में लोगों के लिए बड़ी एक किस्म का कह सकते हैं एक बेनिफिट है कि उन्होंने लोकेशन भी बता दी है, डेवलपमेंट कर दिया है, एक NOC अप्रूव जो है वो प्रोजेक्ट है, लैंड इनके पास बहुत बड़ा है और खूबसूरत लैंड है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सटेंड करता है पूरे दरिया तक, तो मतलब इनके पास बहुत बड़ा एक लैंड है जिसके ऊपर ये डेवलपमेंट करें। उसके बारे में इन्होंने बताया कि राइट हैंड साइड पे फेज 2 ये लोग लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ये एक मेरे ख्याल में गेम चेंजर होगा इस एरिया के लिए, और इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए मैसेज यही है कि जो भी नोवा सिटी पेशावर के अंदर आएगा उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मेरे ख्याल में जो लोग नोवा सिटी पेशावर के बारे में सोच रहे थे लोकेशन कहाँ पर आएगी, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो मेरे ख्याल में उनको भी जो है वो सरप्राइज मिल गया है, उनके मुंह बंद हो गया, उनके लिए भी एक चीज़ आ गई है कि नोवा सिटी जो जिस तरह आया है मेरे ख्याल में इट वाज मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कैसी चीज़ें हों, तो मेरे ख्याल में सबके लिए बहुत खुशखबरी है, हम सबके लिए और जो देख रहे हैं उनके लिए भी। व्यूअर्स, आप लोग चाह रहे थे कि स्पेशल हमें ताहिर भाई से सुनना है कि क्या इसके ऊपर वर्डिक्ट होगा, ताहिर भाई को स्पेशल हम लेके आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी बात की है, समझा भी दिया आप लोगों को, एंड आई होप सो इट वाज इनफ। ताहिर भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड, आगे हमारे चैनल के साथ डायरेक्टर ताहिर और उसके साथ हमारी बाकी टीम भी आपके लिए एनालिसिस लाती रहेगी, एंड आई होप आपको उससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू।